ब्लॉग स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों मेरे सारे काम अभी पड़े हुए हैं, ये देखिए बर्तन पड़ा है, किचन साफ करना है, और क्योंकि सुबह नहीं हो पाता है, सुबह स्कूल जाना, उसके बाद आना, खाना पीना बनाना बिल्कुल नहीं हो पाता है, और बिल्कुल भी जहाँ टायर्ड। अभी देखिए आप उससे बातें करें तो भी थके हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है, क्योंकि मुझे मेरा एक उद्देश्य है कि एक वीडियो रोज पोस्ट होना चाहिए। और अभी हमने दोपहर में जो बनाया था दलिया, और हम दलिया ही खाने वाले हैं। यहाँ पर सुनीता है और उसकी बेटी है, दलिया खा रहे हैं। हमने भी कहा, हमने कहा हम भी खा लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं। बहुत सारे काम हैं जो करने हैं, तो अभी मैं धीरे धीरे करके सारे काम करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। और दोस्तों ब्लॉग में बने रहिएगा, और बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपारो बोलती हूँ, आप लोग मेरे मेंबरशिप को लीजिए और वीडियो देखिए, आप लोग को वीडियो मिलेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर मैं जाती हूँ खाना खाने। मेरा खाना, ये मेरी दलिया जो है निकल चुकी है, ये दलिया, तो मैं दलिया ही खाऊंगी अभी। मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि सुबह हो नहीं पाता है, पता है सुबह नहीं हो पाता है। ये देखिए बड़ा दिक्कत है दोस्तों वीडियो शूट करने में, ट्राइपॉड खरीदना है और अभी इससे तो कोई पेमेंट ही नहीं हो रही कुछ, अभी मुझे इस चैनल से पेमेंट नहीं हो रही है दोस्तों। मैं थोड़ा सा रील शूट कर लेती हूँ खाना खाते खाते मैडम। ये देखिए इतना मेकअप करके, नहीं तो तैयार होना चाहिए ना, तैयार होने से देखिए, तैयार दूसरों के लिए होने ही होना चाहिए, तैयार अपने लिए होना चाहिए, अपने को खुशी होती है तैयार होकर, अच्छा लगता है। फिर तो मैं तैयार हो गई हूँ, रात के 10 बजे तैयार हो कि तुम झाड़ू पोछा और देख लो क्या कर दे। दोस्तों मेरे बर्तन धुल चुके हैं और लाइट चली गई, काम कम बर्बादी ज्यादा कर रही। देखिए ये उबल गया, देख लिया मैंने, देख लिया दोस्तों, मेरा फेस अच्छा नहीं आ रही है, अच्छी फुटाई नहीं हुई है, फुटाई नहीं है सर, चेहरा अच्छा ना है तो यहाँ की पुताई अच्छी नहीं हुई। नहीं सर, यहाँ पूरा नीला नीला।
लहसुन पूरा यहाँ गिरा दिया था, इस सबको बटोर लेती हूँ, इधर इस साइड में रखूँ। सोचते हैं कि सामान खरीद, लेकिन सामान खरीद के क्या करेंगे, क्योंकि किराए का घर है, आज यहाँ तो कल वहाँ, कोई भरोसा तो है नहीं। सामान लेंगे तो फिर लेकर जाएंगे कैसे यहाँ से, इसलिए ना थोड़ा सा हम सोचते हैं कि सामान की ज़्यादा ना खरीदारी करें। वैसे सामान तो बहुत कुछ है ऐसा कि जो जरूरत की है। अब मैं इसको, ये देखिए अभी चावल को भी मैं रख लेती हूँ, और मुझे ना अभी लाइव में भी जाना है, और काफ़ी थक गए हैं, पता है काफी थक गए हैं, और अंधेरा हो गया यहाँ पर। ठीक, अब खुलेगा भी नहीं। ये देखिए ये जो प्लास्टिक का डब्बा है, इसे चावल रख लेते हैं। कैमरे को लगाते हैं कैमरे स्टैंड पर, और चलिए घूम जाओ भाई, चावल पलटवाओ, चलो साथ में, क्योंकि हम चावल पलटेंगे तो हमारे साथ केस हो जाएगा, उनको पता है दोस्तों, केस हो जाएगा, फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सुनीता काम नहीं करती, वो आज बस कर रही है, दिखा रही है, वीडियो बना रहे तो बिल्कुल काम नहीं करती है, सारा काम हम करते हैं। सही बात है। काम नहीं करती बिल्कुल, सो ही रहती जब देख रहा था। देखिए आप लोग सामने मैंने बर्तन मांजे ना, आज ही बर्तन मांजे, देखो नहीं कल हमने मांजा था, कल तुमने एक टाइम मांजे, फिर कल मांजा मांजे, नहीं हम लोग वैसे दोस्तों ये बात नहीं, हम लोग को जो समझ में आता है हम लोग दोनों मिलकर कर देते हैं, ऐसा कुछ होता। मैं मजाक कर रही थी, एक बार इसको प्रैंक वीडियो बनाऊंगी, इसको पता भी नहीं चलेगा, इतनी फिर देना छोटा छोटी ना हो जाए, हम लोग के बीच लड़ाई ना हो जाए, अच्छी वाली प्रैंक करूंगी इसे। कल मैं सारा रात सोई नहीं थी, खांसी हो रही थी, मैं कह लाओ आटा सान ले, चार बजे
पहले का आटा था ना उसमें अगर हम उसमें डालते तो क्या वो कीड़े पड़ सकते थे, फिर हमने कहा इसको जब खत्म हो जाए तो फिर उसमें डालेंगे। और हम दरवाजा बंद करके सोते हैं कोई आ गया तो अरे जा तो कुछ ना करेगा, ऐसा हो सकता है, मौका मिलना चाहिए लोगों को। ये आटा पलट रही मेरी बहन, ये आटा ना आप लोगों को शेयर किया था ना उस दिन 5 किलो लेकर आए थे, तो कि 5 किलो ही लाते हैं तो दिक्कत तो ये हो जाएगी ना कि फिर कीड़े वीड़े पड़ जाए, इतनी बजट भी नहीं होती ना कि मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में भर पाए। मैं तो समझ लीजिए अभी बहुत दिक्कत में हूँ कि मैं भर भी नहीं पा रही, अच्छे से राशन ही नहीं भर पा रही हूँ। तेल 2 सीसी ले आए थे और तेल बस देखो तेल चल जाए महीना भर तो अच्छा हो जाए। क्या देखते हो आटा तुम्हारा, क्या सोचते हो रोटी हमारी। चलिए ठीक है, अभी मुझे ना अंदर वो काम करना है, क्या बोलते हैं मुझे कपड़े मैंने सुबह मुझे ना मिल नहीं रहा था, वो क्या नहीं मिला चुन्नी नहीं मिल रही, दुपट्टा नहीं मिल रहा, मैंने पूरे कपड़े फैला रखे हैं ऐसे ही, चूहे काटेंगे ना तो पूरे कपड़े बर्बाद हो जाएंगे। मैं कैसी लग रही हूँ दोस्तों, अंतिमा पूछती है ऐसे। अंतिमा वीडियो देखेगी तो बोलेगी मेरे को चिढ़ा रही है, बोलती मैं कैसी लग रही हूँ, चिढ़ाएगी। नहीं नहीं मेरी भाभी है उसको भी सपोर्ट करो, अंतिमा लखनऊ भाभी को सपोर्ट करो ठीक है। क्या ये उंगली क्यों कर रही है इसके ऊपर, इसके करके आराम से चुपचाप बैठ गया, वो खड़ा हो गया ही बैठ, आटे को भी खड़ा, आटे का भी खड़ा होता है क्या, अरे मतलब कि आटा को उल्टा तो सही से बैठता नहीं है। अच्छा हाँ ये मतलब वो हवा रहती ना उसमें है ना, चलिए ठीक है दोस्तों ये काम यहाँ का काम तो हो गया है, तो समय मिल्क लूँगी, मिल्क लेने के बाद मैं थोड़ा जाती हूँ थोड़ा सा कपड़ा दवा, ओ आप बोलते हो दवा टाइम पर लेना तो आप लोगों की बात मुझे याद है और मैं विचार ही हूँ अपनी दवा लेने दवा मैं दवा ले लेती हूँ क्योंकि देखिए दवा लेना जरूरी है। तो फिर से आज मुझे सुबह से फिर थोड़ा सा लग रहा था कमजोरी कमजोरी, पता नहीं कैसा लग रहा था मुझे सुबह से, तो दवा नहीं लूँगी तो फिर से बीमार होना है ना। ये देखिए दवा मैं खा लेती हूँ, आइए मेरी पूरी अलमारी फैली है इसको भी सही करना है मेरे, अब मैं कल करूँगी इस चीज़ को, कपड़े करने जरूरी इसलिए है ना दोस्तों क्योंकि तो चूहा बहुत है, चूहा अगर कपड़ों को काट लिया ना तो पूरे कपड़े खराब हो जाएंगे। चलिए मैं खा लेती इसको, मुझे एक ग्लास पानी दो फटाक से, दवा खा रही हूँ। सुनो चाय नहीं बना, मुझे वहां वो करना है कपड़ा सरियाना है, कपड़ा सरियाना ये इसको साफ कर देना जब वो पूरा फैल गया वापस। देखिए पूरा मैंने रैक साफ किया था, सर्फ डाल के साफ किया पूरा, गंदा कर दी वापस से, एक सब पानी दे रहे हैं आपको उसको साफ कर देना। देखिए हमने सब्जी काट रखी पहले से, सुबह की तैयारी हो गई वाली, ये देखिए हाँ क्योंकि सुबह लेट उठते ना भागते और अभी आटा साफ रख लेंगे, मेरे साथ पानी मैं ले रही हूँ क्योंकि तो मुझे अपने जल्दी से ठीक होना है, उसके बाद आज फिर से पता नहीं क्यों लग रहा था सुबह से, बच्चे लोग भी स्कूल में बोले कि मैम क्या आपकी तबीयत फिर से लग रहा खराब है क्योंकि तो आपका चेहरा अजीब सा लग रहा है, तो दूध कम क्यों लग रहा है मेरे मूछें बन गई।
मेरी मुच्छी बन गई। मैं परात ला रही थी पता, बड़ा प्रयास था ज्यादा लेके आ रहे थे, जगह भी नहीं थी, परात लेके आना था मुझे, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा बड़ा था मेरा वाला। चलिए दोस्तों ये देखिए कपड़ा, मुझे लगता है ये ब्लॉग बहुत लंबा बन जाएगा, आप लोग हो जाएंगे बोर। तो चलिए ठीक है, मैं कपड़े सरिया लेती हूँ और फिर ये ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग करती हूँ। पूरे कपड़े हैं